मैं अपने व्यापार में उस तरह के स्टॉक को खरीदता हूं जिसे एक मूर्ख भी चला सके। खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, न कि उन खिलाड़ियों द्वारा जिनके नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी रहती हैं। व्यापार की मूलभूत कीमत को जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत होती है। स्टॉक मार्केट एक खेल की तरह है जिसमें आपको कोई आवाज नहीं देगा, जिसमें आपको हर तरफ जाने की जरूरत भी नहीं, बल्कि आपको आपके मैदान का इंतजार करना होगा। असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण चीजों को करना जरूरी नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई काम कितना समय लेता है, क्योंकि आप 9 गर्भवती महिलाओं को लेकर भी एक महीने में एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। अमीर समय में निवेश करते हैं, गरीब पैसे में निवेश करते हैं। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो आप अपने आप को आधा जगाकर खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ऐसी टेढ़ी इंसानी विशेषता पाई जाती है जो आसान चीजों को भी मुश्किल बना देती है। उस व्यवसाय में कभी निवेश मत कीजिए जिसे आप समझ नहीं सकते। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, इसकी घटिया लोगों से उम्मीद मत करो। एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। मैं 7 फुट की दूरी को पार करने की नहीं सोचता, मैं बस 1 फुट की दूरी को देखता हूं जिसे मैं पार कर सकूं। जोखिम तब होता है जब आपको पता न हो कि आप कर क्या रहे हैं। केवल उसी चीज को खरीदिए जिसे आप अगले 10 साल तक खुशी से रखेंगे। यदि कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इसकी वजह है कि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया हो। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझिए। दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाए लेकिन इसका हिस्सा मत बनिए। कीमत वह होती है जो आप भुगतान करते हैं, वही मूल्य वह है जो आप पाते हैं। अपनी साख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वही इसे गवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। अगर आप इस बारे में सोचोगे तो चीजें अलग तरीके से कर सकते हो। नियम नंबर 1, कभी भी पैसा मत गवाए। नियम नंबर 2, कभी भी नियम नंबर 1 को मत भूलिए।